वेलकम बैक अगेन, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कार्तिक त्यागी, आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज रिएक्शन गाइस। तो गाइस जितेंद्र मदनानी सर की एक बंगाली मूवी पैन इंडिया रिलीज होने वाली मानस मूवी, जो कि 24 नवंबर को रिलीज होने वाली है, उसका एक नया सेकंड सॉन्ग गाइस जो है रिलीज हो चुका है, जो कि हिंदी बंगाली, क्योंकि पैन इंडिया रिलीज हो रही है तो हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में सॉन्ग को रिलीज किया गया है। तो सॉन्ग सुनते हैं गाइस, पहले हिंदी लैंग्वेज का सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है बरसे रे और बंगाली में है आए बृष्टि। तो सॉन्ग सुनते हैं गाइस हिंदी लैंग्वेज में, और सॉन्ग की जो लिरिक्स होंगे गाइस, लिरिक्स होंगी पंछी की और जो बंगाली में होंगे गाइस रिवो एंड प्रांजल की। तो दोनों की लिरिक्स काफ़ी जो है, जो दोनों की जो लिरिक्स हैं उसमें रिवो एंड प्रांजल है और हिंदी में है पंछी। तो सॉन्ग करते हैं स्टार्ट गाइस। म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर हैं अनिक धार, और सिंगर है गाइस श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल होने वाली गाइस सॉन्ग की सिंगर, और अभय जस जोधपुर का। तो सॉन्ग होने वाला गाइस काफ़ी ज़बरदस्त, स्टार्ट होने से पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिंगर है एक काफ़ी ज़्यादा, जो इनकी वॉइस है काफ़ी प्यारी। तो करते हैं गाइस सॉन्ग को स्टार्ट। मानस मूवी संजय सोमदर की मूवी, जो कि एक बांग्लादेशी डायरेक्टर है वैसे। तो 24 नवंबर को मूवी रिलीज होगी। सॉन्ग करते हैं पहले गाइस स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स चैनल को लेना गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स प्ले। रोमांटिक सॉन्ग होगा लग रहा है। सिंगर की सिंगर से ही मैं समझ गया था सॉन्ग काफी जबरदस्त होने वाला है। पर से है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। पर से है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। पर से है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। ये थोड़ी ग्लिम्स अलग लगाई है ना, अलग अलग। आई थिंक कोलकाता का है शायद ये, जो ये शूटिंग आई थिंक कोलकाता की है, मैंने शायद कोलकाता में देखा इस तरह का, वीडियोस में देखा है मतलब मैंने भी। बारिशों के मौसमों में ख्वाहिशों ने क्या नाम है, अभय जोधपुर का। खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। बरसे है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। सॉन्ग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है लेकिन गजब। खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सीला सीला रे। ओके सॉन्ग हो गया एंड गाइस, मिलता हूँ मतलब मूवी रिलीज होगी, जिंदा बोल रहे हैं कि मैं मूवी रिलीज होगी मैं तभी मिलूंगा, अभी मैं सॉन्ग में नहीं आ रहा हूँ।
तो गाइस सॉन्गों के एंड यार बरसे रे वैसे बरसे रे बरसे सॉन्ग का नाम है, मतलब बरसे रे सॉन्ग का जो है टाइटल है, लेकिन बरसे रे बरसे जो लिरिक्स जो पूरी स्टार्ट होती है। तो गाइस सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग है वैसे, लेकिन इसमें जीतदा के साथ जो कि सुष्मिता है और साथ ही साथ जो उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही है जीतदा की, तो तीनों एक साथ है। उसके अलावा गाइस रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्योंकि श्रेया घोषाल इसमें सिंगर हैं तो काफ़ी सॉन्ग काफ़ी ज़बरदस्त होगा, और इस सॉन्ग को सुनते हुए ना मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं एक बंगाली मूवी का सॉन्ग सुन रहा हूँ। बंगाली मतलब थोड़ा बंगाली लैंग्वेज में होता वो लगना नहीं होता, मतलब इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब बॉलीवुड की मूवी होती है ना, बॉलीवुड में हम सॉन्ग सुनते हैं, अभी आप किसी को सुनाएंगे अगर उसको ना बताएं कि एक बंगाली मूवी का सॉन्ग है हिंदी लैंग्वेज में, अगर आप सुनाओगे तो वो खुद ही बोलेगा कि कोई बॉलीवुड मूवी होगी जो रिलीज़ हो रही है उसका एक सॉन्ग आया है या फिर एल्बम है। तो सॉन्ग मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूँ, और जब ये आप बंगाली में बताएंगे कि बंगाली मूवी का सॉन्ग है तो वो कहेगा कि यार काफ़ी, मतलब क्योंकि श्रेया घोषाल सिंगर है और साथ ही साथ जिस तरह की लिरिक्स वगैरह जो भी है तो उससे लगता नहीं है कि कोई बंगाली मूवी इस तरह की होगी, तो क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है इतना ज़्यादा बंगाली मूवी के बारे में, नहीं पता है बंगाली मूवी जिस तरह से। अभी मैंने चंगेज मूवी आई थी जितेंद्र बंदना सर की, मैं काफ़ी बोल भी चुका हूँ, और रावण मूवी मुझे भी इतना नहीं पता था, रावण मूवी का आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया था तो रावण मूवी का आई थिंक मैंने टीज़र पे रिएक्शन किया था रावण मूवी के, जीतदा की मूवी रावण मूवी के, तब से मुझे पता चला था कि बंगाली इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं। तो सॉन्ग गाइस काफ़ी अच्छा है, और संजय सोमदर जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं तो मूवी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, एक्शन से भरपूर एक्शन ड्रामा, एक जो है एक्शन ड्रामा आई थिंक रोमांटिक जो कि सॉन्ग भी दिखाए हैं, अभी तक दो सॉन्ग आए हैं इस मूवी के और रोमांटिक हैं दोनों, तो रोमांस से भरपूर भी ये मूवी होगी। तो मूवी को लेके या फिर सॉन्ग को लेके अपनी राय कमेंट में जरूर देना, सॉन्ग आपको कैसा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, हिंदी लैंग्वेज तो काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन इसके बाद जो है बंगाली लैंग्वेज में आई वृष्टि पर मैं रिएक्शन करूँगा। वृष्टि जो है उसका मीनिंग हिंदी में कहें तो बरसात ही है, तो देखता हूँ लिरिक्स कुछ, मैं देख रहा था लिरिक्स जो है दोनों में अलग अलग वो है, रिवो एंड प्रांजल बंगाली में, और जो पंछी जिस पर हमने रिएक्शन किया इसकी जो लिरिक्स है वो पंछी जी की है, तो देखते हैं उसमें क्या अंतर है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सॉन्ग पर जो रिएक्शन किया था जीतदा का जो इसी मूवी मानुस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग था रोमांटिक सॉन्ग, तो उसमें जो है कुछ जो हिंदी और बंगाली में थे ना कुछ सीन्स अलग थे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन सीन कुछ अलग दिखाए थे, एक में सीन कुछ ज़्यादा थे एक में कुछ थोड़ा कम थे, मतलब अलग सीन थे। तो सॉन्ग जो है गाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हिंदी लैंग्वेज में जो हिंदी व्यूअर्स हैं जो कि अपने नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर जो नॉर्थ जो लैंग्वेज पसंद कर हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं या फिर जो बंगाली भाई भी हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आपको सॉन्ग हिंदी लैंग्वेज में आपको कैसा लगा, और चैनल को लेना गाइस सब्सक्राइब। और मानस मूवी 24 नवंबर को रिलीज होने वाली, पैन इंडिया रिलीज होने वाली मूवी, एक धमाकेदार मेरे हिसाब से मूवी होने वाली है गाइस, तो उसको आप जरूर सपोर्ट करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सॉन्ग में, करते हैं गाइस वीडियो को एंड, बाय बाय।